सो लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ एक्चुअली ये पॉइंट चल रहा था और मीटिंग वो पहला पार्ट खत्म हो गया इसलिए रुक गई बीच में. सो पोलन ग्रेन जो एबिलिटी दिखाते हैं जर्मिनेट होने की उसी को एक्चुअली वायबिलिटी पीरियड कहते हैं. ये टाइम वेरी कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है. ओके पोलन वायबिलिटी इज लिटिल इन फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन बर्ड कंडीशन. बर्ड कंडीशन का मतलब समझते हो आप लोग? Like not that much has been developed very clearly. उस कंडीशन में अगर पॉलिनेशन देखने मिलता है तो उनकी वायबिलिटी जो है बहुत छोटी होती है टाइम पीरियड के लिए. अगर फटाक से सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है तो ठीक है. ओके उसी नजदीक नजदीक में फ्लावर होंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर दूर जाना है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा. ठीक है. इट इज द 30 मिनट्स इन केस ऑफ द राइस एंड वीट्स. इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. ओके राइस और वीट में 30 मिनट्स का वायबिलिटी है. ये मोनोकॉट्स है कि डाइकॉट्स है बच्चा लोग? चलो एक ही पॉइंट पे मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया है. चलो जल्दी बताओ, इट इज अ मोनोकॉट और डाइकॉट? मोनो मोनोकॉट ऑब्वियसली ग्रास फैमिली है ना, ये ग्रास फैमिली है. ओके मोनोकॉट्स में चले जाएंगे, ध्यान रखना. ठीक है. अभी क्वेश्चन में आंसर लिखा रहेगा 30 मिनट्स ऑफ पोलन वायबिलिटी शोन बाय या फिर द लेस वायबिलिटी ऑफ द विच प्लांट शोज द लेस वायबिलिटी. एग्जांपल रहेगा राइस वीट वगैरह, या फिर लिखा रहेगा सीधा मोनोकॉट डाइकॉट, बोथ मोनोकॉट डाइकॉट, या फिर ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव. तुम्हारा आंसर कैसे होने चाहिए तुमको पता है अभी? ठीक है ना, 30 मिनट्स मेंशन है तो मोनोकॉट्स लिखे जाएगा आंसर. 30 मिनट्स लिखा है, राइस एंड वीट लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी लॉटरी है. पहले ऑप्शन में राइस है, दूसरे ऑप्शन में वीट लिखा है और तीसरे ऑप्शन में लिखा है बोथ वन एंड टू, तो भी राइट आंसर. मैं खेतो हतो, व्हाट इज दैट खेतो हतो? ये समझा नहीं मैं यार, जय पटेल क्या बोल रहा है? खेतो हतो मीन्स तो किसे चैट कर रहे हैं? खेतो हतो या तो फिर ऐसा बोल रहा होगा मैंने कहा था, जो भी है. देखो आपस में चैटिंग नहीं है, पहले बता रहा हूं. आवाज आ रही है मेरी? अरे हाँ बोलो सर. यार तुम लोग दो दो बार बोलने लगाते हो. हाँ इन अदर्स द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज लॉन्ग इवन फॉर द मंथ्स. एग्जाम्पल देके रखे हैं नीचे, रोसेसी एसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी, सोलानेसी. लेग्यूमिनेसी में कौन? वो तुम्हारा मटर के दाने आते हैं पता है, मटर, वो लेग्यूमिनोसी. पल्सेस वगैरह ले लो यहाँ पे. सोलानेसी दतुरा आ गया तुम्हारा यहाँ पे स्क्रीन पे. टोबैको प्लांट ले लो, वो सब इसमें आ जाते हैं सोलानेसी में. वो आलू तुम्हारे है ना, ब्रिंजल वगैरह सब सोलानेसी के मेंबर है. टमाटर, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, टमाटर भी इसमें ही आ जाता है राइट, सोलानेसी में. ओके रोसेसी में कौन आ जाएगा? तुम्हारे रोज प्लांट्स वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे. क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट. यस सर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट रखना आपके पास. इट इज हाउएवर डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. कंडीशन क्या है बाहर की, इसके ऊपर भी वायबिलिटी डिपेंड होती है. इवन द यू कैन स्टोर द पोलन ग्रेन, जैसे सीड को स्टोर करते हैं सीड बैंक में, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं पोलन बैंक में. इन द लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड. एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, नीट का क्वेश्चन है. ओके अगर आप लोगों के पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं तो देखो ये क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ये पूरे स्लाइड पे कितने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आप लोगों के स्क्रीन पे. ओके व्हाट इज द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ओवर, एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन करता क्या है? कौन बताएगा लिक्विड नाइट्रोजन करता क्या है? कुछ तो पता होगा इसके बारे में. अच्छा अगर मैं आपको बनाना दू, बनाना फ्रूट होता है पता है ना, वो अगर मैंने लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के निकाल दिया, 2 मिनट बाद निकाल दिया, कैसे लगेगा? इट विल बिकम वेरी हार्ड. इतना हार्ड हो जाएगा कि आप वॉल के अंदर कील ठोक सकते हो उस बनाना से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट विल एक्ट लाइक एन हैमर फॉर यू. समझ में आ रहा है? वो चीजों को हार्ड कर देता है. आप अपना हाथ डालोगे उसमें, 2 मिनट रख दोगे, हाथ निकालोगे, उंगलियां टूट जाएंगी.
समझ में आ रहा है, इट इज दैट डेंजरस, इसलिए डायरेक्टली उसको लिक्विड नाइट्रोजन को छेड़ना नहीं होता है। हाँ, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप अपना ऐसे फटक से हाथ डाल के उसको उड़ा सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोगों ने किया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, बिंदास बता रहा हूँ, बिना कोई टेंशन लिए। ऐसे पानी में हाथ डाल के आप ऐसे उड़ा सकते हो, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, ठंडा ठंडा फील होगा। इसके अंदर हम लोगों ने लाइक दूध और शक्कर मिला के आइसक्रीम बनाई थी और हम लोग ने उसको खाया भी था उसी समय में। आप जब नॉर्मली लाइक अच्छे होटल्स में जाके कुछ डेजर्ट्स वगैरह ऑर्डर करते हो ना, पता है वो लोग एक जार रख के लेके आते हैं और जैसे जार उठाते हैं अंदर से फ्यूम्स आने लगती है, देखा है? वो बाजू से सारी लिक्विड नाइट्रोजन डाली रहती है, देखा है? मास्टर शेफ ऑफ इंडिया वगैरह ऐसे सारी एपिसोड्स वगैरह देखे रहेंगे आप लोगों ने, वो लोग वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ओके, फ्यूम्स आना उसमें से, वाइट कलर के वो सारी बातें लिक्विड नाइट्रोजन है। सो पोलन ग्रेन्स को उसमें स्टोर करेंगे तो बहुत ठंडा होता है, एक तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो लोग स्टोर फॉर्म में रह जाएंगे, प्रिजर्व फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक है? इट इज वन ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कह सकते हैं, वन ऑफ द टेक्निक विच यू कैन यूज इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इज देयर ऑन द स्क्रीन, अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। सी, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज नंबर, especially in anemophila species. Anemophila यानी क्या? Wind pollination. क्योंकि wind pollination में बहुत pollen grains की जरूरत पड़ती है, पता नहीं कौन कहाँ जाके पड़ जाए, मतलब कहाँ जाके गिर जाए, okay? तो इसके वजह से pollen grains बहुत ज़्यादा number में बनाने पड़ते हैं। इनका जो stigma होता है, जो इन खास करके wind pollination के होते हैं, ये बहुत feathery होते हैं। Feathery क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे एयर में से पोलन ग्रेन्स को पकड़ना होता है ना, तो feathery stigmas होते हैं इनके। ये एक तरीके का adaptation है towards anemophila फ्लावर्स, ओके? नाउ सी, दे फ्लोट इन एयर एंड एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑल्सो, समझ में आ रहा है? तो खास करके जो पोलन एलर्जी वाले पर्सन रहते हैं उनको बहुत बच के रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द पोलन ग्रेन्स। क्यू दी सी, सम इंडिविजुअल डेवलप एलर्जी टू देम प्रोड्यूसिंग द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक राइनिटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एलर्जी which cause the hay fever. Hay fever caused by the pollen grain, pollen allergy का one of the symptom है। याद रखोगे सारी बातें क्योंकि नीट में पूछी जाती है, पूछा जाएगा which one of the following symptoms caused by the pollen allergy, okay? या फिर symptoms of the pollen allergy पूछा जा सकता है, या फिर कौन से disorders हो सकते हैं, breathing respiratory disorders कौन से हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है rhinitis, asthma, bronchitis वगैरह वगैरह। एक है जो कि बहुत famous है, contributor to the pollen allergy is the carrot grass, Parthenium. ये इंडिया से नहीं है, okay? इसको import किया गया। See, it enter in India as a contaminant with imported wheat. जब हम लोग बाहर के कंट्री से वीट मंगा रहे थे इंडिया में, तब ये उसमें contaminant का मतलब है उसके अंदर मिक्स था, okay? It is already mixed, it is already present in that, और वो आया इंडिया में और स्प्रेड होने लगा, समझ में आ गया? And spread in all parts of the country. Parthenium is very important. कैरेट ग्रास उसका कॉमन नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द पार्थिनियम, ओके? ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, या फिर पार्थिनियम फॉर द पोलन एलर्जी को लेके क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत है, जितने बनाओगे ये स्लाइड से बन सकते हैं क्वेश्चंस, ओके? अदर देन दिस देयर आर चिनोपोडियम, एमेरेंथस, शॉर्गम, ओके? शॉर्गम यानी तुम्हारा जवार, रेसिनस, प्रोसोपिस, साइनोडॉन नॉर्मली ग्रास, ओके, आर कॉमन सोर्सेज ऑफ द पोलन एलर्जी। ग्रास के आप लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस देखे हैं, ग्रासेस के इन्फ्लोरेसेंस देखे नहीं, देखे ऐसे ग्रो करते हैं, इतने लंबे लंबे होते हैं एक्चुअली। जब ग्रास ग्रो करेंगे ना तब नोटिस करना, इसको लेके मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया है आप लोगों को, ओके? इन्फ्लोरेसेंस में क्या पढ़ाया था बताया, लॉडिक्यूल्स, ये वाला पार्ट पढ़ना जाके, ओके? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक को एक बार गो थ्रू करो, उसमें लॉडिक्यूल्स के बारे में बात की है मैंने, ओके? अगेन मोनोकॉट, सही बात है, ग्रास फैमिली है, मोनोकॉट्स में लॉडिक्यूल्स देखने मिलते हैं, ओके? तो एक बार देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। चलो बढ़ते हैं आगे। सिंस द डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स इन डिफरेंट सीजन्स, पोलन कैलेंडर्स ऑफ द एटमोस्फियर कैन बी स्कैंड एंड द एलर्जिक रिएक्शन पिन पॉइंटेड टू अ पर्टिकुलर प्लांट। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द लास्ट लाइन? वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा पॉलिन पैलेनोलॉजी पढ़ रहा है, पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहा है, ओके,
तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कौन से सीजन में कौन सा प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है ना, उसके कब पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कौन से फ्लावर के पोलन ग्रेन्स खास करके एलर्जिक रिएक्शन दिखाते हैं, उनका सीजन क्या है ग्रो करने का, ये सारी बातों को ध्यान रखा जाता है. ओके और लोगों को सतर्क किया जा सकता है, अलर्ट किया जा सकता है. ओके तो ये क्यूट सा जो फोटोग्राफ है ये आपके लिए है, देखो है ना, मस्त लग रहा है, स्लाइड को एकदम क्यूटनेस दे दिया इसने. चलो बढ़ते हैं, बोला मत वो वायरस है करके. ओके दोज आर पोलन ग्रेन्स, ऐसे दिखाया है मैंने वहां पे. ओके हमारे लिए वो पोलन ग्रेन है. चलो बढ़ते हैं आगे. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इज देयर ऑन द स्क्रीन, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो प्रोडक्ट क्या क्या है आपके एनसीईआरटी में, पता है एक बड़ा सा फोटोग्राफ चिपका के दिया है, बड़ा सा फोटोग्राफ दिया है एनसीईआरटी में पोलन प्रोडक्ट्स को लेकर, देखा आप लोगों ने? यस सर. हाँ उसी के नीचे उसी पेज पे उसी जहाँ पे ये फोटोग्राफ है उसी पेज के नीचे जितनी भी सारी लाइन्स है सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनाती है एनसीईआरटी के. ओके सो पोलन ग्रेन स्पेशली द वन कलेक्टेड बाय द बीज आर बीन यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस लाइक नेचर क्योर, कॉस्मेटिक्स, एज अ फूड सप्लीमेंट्स. आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मार्केट से अगर हनी लाया होगा तो हनी को अगर आप लोगों ने ठीक से देखा रहेगा उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर देखने मिलेंगे तो दोज आर पोलन ग्रेन्स. ओके हम लोगों ने लैब में टेस्ट किया है, खुद हम लोगों ने, मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया है. तो लाइक हम लोग मेडिकल शॉप में से हनी की बॉटल लेके आते हैं और उस हनी को निकाल के रख देते हैं, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसका हम लोगों ने ये बना दिया, स्लाइड्स बना दिए, और फिर हम लोगों ने जब स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप देखने लगे तो हम लोगों को पोलन ग्रेन्स उसमें देखने लगे. तो ऐसा 100% पोलन्स को साइड में रखा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन्स वहां पे आपको हनी के अंदर देखने मिलते हैं. ओके पोलन ग्रेन्स आर बिलीव्ड टू बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक 77 to 26% ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 24 to 48% होते हैं और फैट 0.9 to 14.5% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे. ओके दे आर टेकन एज टैबलेट और सिरप्स टू इम्प्रूव द हेल्थ परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट एंड रेस हॉर्सेस. ओके तो इन सारी जगहों पे हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, इट इज कंसिडर एज अ गुड थिंग. ओके ये फोटो है आपके एनसीईआरटी में, देख लिया, खुश हो जाओ देख के, बस ऐसा ही दिखता है ना. देखो यहाँ पे इसने ब्रांड लिखा हुआ है, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड 30 टैबलेट्स दे के रखा है उसने. नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पॉट्स और नेचुरल फूड फ्रॉम द हनी बीज वेट वेट जो कि 0.45 UZ वगैरह जो लिखा है. ओके वो कुछ कोड होगा वो लोग का, फाइन. और भी बहुत सारी देखो, एनर्जी शेक भी लिखा हुआ है, बी पोलन क्रीम लिखी हुई है, कॉस्मेटिक्स है. ओके और भी यहाँ पे कुछ है जो कि थोड़ा सा ब्लर है, बी पोलन क्या लिखा है, पावर समथिंग समथिंग है, हो सकता है प्लस पॉइंट ही होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते यहाँ पे, दिस इज अ गुड थिंग. ओके सो वी आर कम टू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक. इसके पहले जो भी सारी बातें हुई क्या सभी एकदम क्लियर कट समझ में आ गई? मेल पार्ट जो चल रहा है डिस्कशन फ्लावर का उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं आया रहेगा, राइट? Waiting for your answer. No sir. हाँ. No sir. चलो ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना मत भूलना बच्चा लोग, मैं बार बार रिपीट करता हूँ सेम पॉइंट. ओके नाउ सी ऑन द स्क्रीन प्री पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब पॉलिनेशन के पहले का सिनेरियो चल रहा है. ओके पोलन ग्रेन्स और मैच पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स. ओके मैं मैच्योर बोल दिया यहाँ पे, माइक्रोस्पोर्स की बात करते हैं. इनको फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट बोला गया है. ओके याद रखना, क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट एंड रिप्रेजेंटेड इमैच्योर मैच्योर मेल गैमेट. इमैच्योर का मतलब क्या है, अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है. क्यों नहीं पूरी तरीके से मैच्योर बोला जाता है, क्योंकि वो जो लास्ट माइटोसिस होता है ना जहाँ पे दो मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है उसी को बोला जाता है मैच्योर पार्ट. ओके तो इनिशियली दिस आर इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट. सो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट इज अ प्रीकॉशियस दैट
is it been inside the microsporangium of the pollen sac. तो development कहाँ चल रहा है, तो pollen sac के अंदर चल रहा है, ठीक है. वही सारी बातें जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें एंटर नहीं कर रहा हूँ ज्यादा बताने के लिए. व्हेन फर्स्ट फॉर्म माइक्रोस्पोर और यंग पोलन ग्रेन हैज सेंट्रली प्लेस्ड इन न्यूक्लियस एम्बेडेड इन द डेंस साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें क्या समझ में आया? साइटोप्लाज्म इनिशियल लेवल पे डेंस होता है, गाढ़ा होता है, थिकनेस होती है उसमें, एक कंसिस्टेंसी होती है, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है. दैट इज व्हाट द पोलन ग्रेन ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट. इट ग्रोज इन साइज विथ इनफ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. कैसे ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, वो कैसे आ रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम, पता है ना, वो टैप करता है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी आप लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, वो नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है. और ऐसे करके ये सारी बातें ग्रो कर रही है. देखो, जब नरिशमेंट देने की बात आती है तो बट ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम ग्रो करेगा. ओके, वैक्यूल डेवलप्स एंड ब्रिंग अबाउट द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे वैक्यूल को लेके भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना. वैक्यूल बनने से पोलन ग्रेन में एक डेवलपमेंट देखा जाता है. और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है. पोलन ग्रेन न्यूक्लियस टू द वन साइड नियर द वॉल, द प्रोटोप्लास्ट देन डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स, जनरेटिव एंड द ट्यूब सेल, और जिसको वेजिटेटिव सेल बोला जाता है. मतलब देखो, ये पहला डायग्राम जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, ओके, काफी डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस सेंटर में. जैसे जैसे न्यूट्रिएंट लेना चालू करेगा, ग्रो करेगा, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. अब बड़ा करेंगे तो इसमें वैक्यूल फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने मिलेगा. ये है वैक्यूल. वैक्यूल ने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को शिफ्ट कर दिया ऊपर के साइड में, एक साइड में. अब इस साइड में ये गया न्यूक्लियस, और इसने क्या किया, माइटोटिक डिविजन किया. तो अब क्या हो गए, दो सेल फॉर्म्ड हो गए, और ये छोटे वाले सेल के पास साइटोप्लाज्म है. कैन यू सी ओवर हियर वेरी क्लियरली, छोटे वाले सेल के पास साइटोप्लाज्म है और बाकी का साइटोप्लाज्म जो है वो बड़े वाले सेल का है. समझ में आया? तो छोटा वाला सेल यहाँ पे जेनरेटिव सेल है, और बड़ा वाला जो सेल है वो वेजिटेटिव सेल है, या तो फिर बोल सकते हो तुम्हारा क्या, ट्यूब सेल. ओके, ट्यूब सेल बोल सकते हो, क्लियर है. और जो जनरेटिव सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्पिंडल शेप है, एंड इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल. डन, समझ गया? यस सर. रिपीटेशन हुआ है सारी बातों का. ओके, सारी बातों का रिपीटेशन हुआ है अंडर द हेडिंग कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब यहाँ पे भी फिर से वही सारी बातें रिपीटेड हुई है. ओके, जैसे कि देखो, अ लेयर ऑफ द कैलोस डेवलप्स अराउंड द जनरेटिव सेल्स विच सेपरेट द सेल फ्रॉम द पोलन ग्रेन. समझा कि नहीं समझा? कैलोस की लेयर यहाँ पे बनती है. ओके, जो पोलन जनरेटिव सेल को नॉर्मली बड़े वाले सेल्स के साथ सेपरेट भी रखती है. लेटर वो कैलो सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है. इसका एक डायग्राम एक्चुअली था लेकिन मैंने लिया नहीं. ओके, क्योंकि कैलोस की लेयर फॉर्म्ड होना वो तो समझ जाता है ना. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ जनरेटिव सेल, तो इसके अराउंड में कैलोस की वॉल बनती है और बाकी का जो है डेंस साइटोप्लाज्म वो तो है ही. ओके, दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. लेटर ऑन कैलोस डिजॉल्व्स अंडर नेकेड जनरेटिव सेल्स comes lie really in the cytoplasm of the tube cell. मतलब जो NCRT बोलती है, like generative cell floats in the cytoplasm of the vegetative cell, बस वो direct point है. okay, the tube cell has a vacuole in the cytoplasm which is rich in the food reserve like starch, proteins, fats with mostly saturated fatty acid and the other cell organelles are also present other than the vacuole. okay, the nucleus becomes large and irregular. The generative cell is the spindle shape, already मैंने cover कर लिया है, to the spherical in outline within dense cytoplasm surrounding the prominent nucleus. Prominent nucleus इसलिए बोला क्योंकि यही आगे जाके divide करने वाला, mitotic division करने वाला है. Prominent का मतलब होता है well defined nucleus. Okay? In some species, is the generative cell divides into the two non-motile male gamete prior to the dehiscence. मतलब ये तुम्हारा किसके लिए आंसर चले गया, 40% angiosperms के लिए हो गया, ठीक है. और जो नेक्स्ट सिनेरियो है नीचे, वो रिमेनिंग जाता है 60% के लिए, जहाँ पे दो सेल ट्यूब सेल प्लस जनरेटिव सेल होंगे और फाउंड इन द 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली इन द डाइकॉट्स. और थ्री सेल जो है ट्यूब सेल प्लस टू मेल गैमेट्स विल बी सीन, ट्यूब सेल प्लस टू मेल गैमेट्स. ओके, वो 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, वो भी डाइकॉट्स के लिए ही है. ओके, पोस्ट पॉलिनेशन. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द पोस्ट पॉलिनेशन?
पोलन के पॉलिनेशन द डेवलपमेंट टेक प्लेस. हाँ तो स्टिग्मा पे गिरा है ये, ऐसे समझोगे ना, स्टिग्मा पे गिरा है. अब इसके अंदर नाटक चालू हो गया, मतलब ड्रामा चालू हो गया. अब वो ड्रामा क्या है वो देख लो. ऑन द स्टिग्मा द कंपैटिबल पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर रहा है. शुगरी फ्लूइड होता है उसमें, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ. शुगरी फ्लूइड ध्यान रखना. ओके क्या टर्म यूज करोगे, शुगरी फ्लूइड. ओके एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द शुगरी फ्लूइड बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मैटिक सीक्रीशंस थ्रू द जंप पोर. तो एक ही बात है जहां से डिफ्यूज हो सकती है सारी चीजें, वो है जंप पोर, क्योंकि वहां पे एग्जाइम मिसिंग होती है. द ट्यूब और द वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं, साइज में बढ़ जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट कम्स आउट द पोलन ग्रेन्स through one of the germ pore or the germinal furrow to form a pollen tube. देख लो डायग्राम, क्लियर हो रहा है. ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पे आके गिरने वाला है. ये हो गया लैंड, हो गया यहाँ पे एडेशन, हो गया अटैचमेंट हो गया. ओके अब उसने सीक्रीशंस लेना चालू कर दिया है, साइज में ग्रे हो रहा है, ग्रे क्या ग्रो हो रहा है, जर्मिनेशन दिख रहा है, पोलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म हो रही है. अब पोलन ट्यूब धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रही है और सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाने में. क्लियर है, दिस इज वॉट. तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी कहते हैं इसको, या फिर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन. समझ में आया, पोलन पिस्टिल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट है. डन. और ये जो ग्रीन कलर के यहाँ पे टिश्यूज दिख रहे हैं, इसको बोला गया ट्रांसमिटिंग टिश्यूज. यहाँ पे ये स्टाइल है और क्या स्टिग्मा, इतना पार्ट ऊपर का स्टिग्मा है. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें, पोलन ट्यूब इज कवर्ड बाय द इंटाइन, बट ऑब्वियसली इंटाइन से ही बाहर आएगा ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग, इंटाइन की जो लेयर है वो इंटाइन रहेगी और अंदर सिक्रीशन रहेगा और जिसके अंदर मेल गैमेट्स रहेंगे. ओके टू मेल गैमेट फॉर्मेशन बाय द माइटोटिक डिवीजन. इट वॉज रिपोर्टेड इन द इटालियन मैथमेटिशियन एमिसी, इंपॉर्टेंट है 1824 इन द पोर्चुला का. पोर्चुला का पता है आप लोगों को, पोर्चुला का फ्लावर्स पता है, कितने लोगों को पता है पोर्चुला का नाम सुना था? नहीं सर. अरे यार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पता है, वो पता है वो सबके घर में एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पिंक फ्लावर आते हैं जो मॉर्निंग में 10 o'clock बजे तक ग्रो कर जाते हैं. देखा है पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाऊँ एक सेकंड दिखाता हूँ आप लोगों ने सपने देखा है, मे बी सबके घर पे भी हो सकता है, सबके नहीं मतलब कुछ लोगों के तो हो ही सकता है. देखो ऐसे उसका मेन स्टॉक होता है और यहाँ से ये ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं उसके, देखा है ऐसे लीव्स होते हैं और यहाँ पे ऐसे बर्ड फॉर्मेशन होते हैं, फ्लावरिंग बर्ड ऐसे बनते हैं. और ये जब ग्रो होते हैं तो इनके पिंक कलर के फ्लावर्स, पिंक कलर के पेटल्स ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे पेटल्स रहते हैं और अंदर से येलो कलर के एंथर्स ऐसे विजिबल होंगे और इवन द स्टिग्मा स्टाइल ओवर भी नहीं देखा है. छोटे से पॉट में हम लोग इसको ग्रो करवाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं. ओके ये ऐसे ऐसे पूरा हैंग करते रहते हैं, देखा रहेगा आप लोगों ने. ओके पोर्चुला का पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, आप इसको अपरूट करके लेके आओगे या फिर इसको ऐसे चॉप करके लेके आके पॉट में लगा दोगे तो ये तो भी ग्रो कर जाएगा, इतनी इनकी एबिलिटी होती है. समझ में आ गया, तो आराम से ग्रो कर सकते हैं ये लोग. चलो नेक्स्ट. तो पोर्चुलाका में सबसे पहला इनका स्टडी हुआ था बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज एमईसी, ध्यान रखना पूछा जाता है नीट में. इट सीक्रेट्स द पेक्टिनेस एंड अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू create a passage for it in the style if later it is solid. Style actually दो type के होते हैं, एक होता है hollow style और एक होता है solid style. तो solid style जो होता है उसको penetrate करते हुए pollen tube को आगे जाना पड़ता है. उस समय ये जो pollen tube है वो क्या secrete करती है, pectinase secrete करती है. ओके अगर ये पेक्टिनेस सीक्रेट करिए दैट मींस पेक्टिन होगा अंदर कहीं ना कहीं डिपोजिशन, तो पेक्टिन को डाइजेस्ट करते करते आगे जाएगी. और भी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उनको मदद करेंगे पैसेज बनाने के लिए, मतलब वहां के सेल्स को रप्चर करते 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 आगे जाना है. ठीक है, द पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द स्टाइल फॉर द इट्स ग्रोथ. बस तो जैसे जैसे वो आगे जा रही है साथ में न्यूट्रिएंट वैल्यू लेके जा रही है, सो डैट इतनी देखो साइज भी तो बड़ी है ना पोलन ट्यूब की और इसको पूरा वो ओव्यूल तक एम्ब्रियो सैक तक जाना है. ठीक है, सो लाइक दिस वे दे विल जस्ट कीप ऑन जर्मिनेटिंग. अब डायरेक्टली ये ट्यूब जो है वो आगे नहीं बढ़ती, उसके पीछे कैलोस के प्लग्स भी बनते हैं. कैलोस प्लग फॉर्मेशन होना मतलब ये दिखाता हूँ यहाँ पे देखो,
अगर ये स्टिग्मा है ऊपर, ये पोलन ग्रेन है, इसका पोलन ट्यूब फॉर्म्ड हो रहा है और वो स्टाइल के अंदर जा रहा है, मेल गैमेट का माइटोटिक डिवीजन हो चुका है, मान लो यहाँ पे दो माइटोटिक डिवीजन है, तो इनिशियली मानो कि माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे ऊपर हुआ था, ओके। तो ऊपर से जब ये नीचे घसरने लगते हैं तब क्या होता है पता है, तब यहाँ के ऊपर पे प्लग बनता है। क्या बनता है? प्लग। प्लग इसलिए बनता है, ये फिर से ऐसे मान लो किसी बाय मिस्टेकली अगर ये ऊपर चले गए तो आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो सक्सेसफुल वो जो है पोलन ट्यूब आगे नहीं बढ़ पाएगा विद रिस्पेक्ट टू द मेल गैमेट, वो वहां पे अटक गया, मतलब ऊपर चले गया तो फिर उधर ही रह गया, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे कैसे क्या होता है सिनारियो बताएं, जैसे जैसे ये मेल गैमेट जो है आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर से प्लग बनेगा। अब देख लो दोनों यहाँ पे है, मान लो थोड़ा इंटरवल में आप ये दोनों यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पे प्लग बनेगा। तो ये जो प्लग्स है ये कैलोस के प्लग होते हैं। किसके होते हैं? कैलोस प्लग, सॉरी। ओके ध्यान रखोगे, समझ में आ गया ये स्पेलिंग क्यों रॉन्ग लिख रहा हूं मैं? कैलोस, कैलोस प्लग्स होते हैं। ठीक है, डन, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? यस सर। तो पोलन ट्यूब में कैलोस प्लग्स बनते जाते हैं सो दैट इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द मेल गैमेट्स। ओके, बस इतना ध्यान रखना, सो दैट सक्सेसफुल पोलन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ सके सक्सेसफुली विद रिस्पेक्ट टू द मेल गैमेट्स। दिस स्लाइड इज ओवर नाउ। देखो डायग्राम देखो, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जंप और है सारी बातें यहाँ पे लेबल किए, ये सब आपको पता चल गया, एग्जाइन इंटाइन वगैरह क्या होता है। ओके, फिर ये स्पिंडल शेप यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, जनरेटिव सेल है। फिर यहाँ पे देखो पोलन ट्यूब फॉर्म्ड हो चुकी है, ये तुम्हारा जनरेटिव सेल लिखा है, यहाँ पे ट्यूब सेल लिखा है, और ये जो ट्यूब सेल है ना यहाँ पे भी है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे दिखाया है, लेकिन मैं बोलूंगा ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर रह भी जाते तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। और ये डिसइंटीग्रेट अगर होता है ना तो ये भी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू ऐड कर देता है, किसके लिए? पोलन ट्यूब्स के लिए, इवन द मेल गैमेटोफाइट्स के लिए। ओके, न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ऐड कर देता है। डायग्राम इज वेरी क्लियर टू ऑल? ए बी सी डी जो फोर डायग्राम्स है आपके स्क्रीन पे, पांच डायग्राम है, एकदम क्लियर है ना? यस हाँ, नाउ सी ओवर हियर, 10 मिनट का टाइमर आ चुका है स्क्रीन पे, तो अभी देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को इस स्लाइड पे दिखती है। द ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड इनटू द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, क्लियर है? जनरेटिव सेल और इट्स प्रोडक्ट्स आल्सो पासेस इनटू इट, ठीक है। इट सून डिवाइड्स इनटू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। नॉन मोटाइल जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, अगर मोटाइल होता तो पोलन ट्यूब वाला सिनेरियो होता ही नहीं है ना, तो फिर कुछ पानी वगैरह चाहिए होता जिसके थ्रू ये लोग जाते आगे, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल है, ध्यान रखना। गैमेट्स इफ इट इज नॉट ऑलरेडी डिवाइडेड, अगर ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं है तो बाद में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर डिवाइडेड होते हैं ऑलरेडी तो 40% वाला सिनेरियो, बार बार याद दिला रहा हूँ, याद रखना। ईच मेल गैमेट इज लेंटिक्यूलर टू स्पेरिकल इन आउटलाइन, लेंटिक्यूलर यानी वो थोड़ा सा लंबा, लेंटिल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, या फिर सर्कुलर इन आउटलाइन, ऐसे वो लोग ने डिफाइन किया है, ठीक है। ये तो फिर भी पॉइंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट हैज लार्ज न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द थिन शीट ऑफ द साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ओके, ईच मेल गैमेट इज कंसिडर्ड टू बी द वन सेल एंड द ट्यूब न्यूक्लियस मे डीजनरेट कंप्लीटली, लिखा है यहाँ पे मे डीजनरेट कंप्लीटली। ओके, हाँ, अभी पोलन ट्यूब का डिस्क्रिप्शन, 1 सेकेंड, और क्या है इसमें? तो यहाँ से हमारा फीमेल गैमेटोफाइट चालू हो रहा है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है आज। तो इसको देख लेते हैं। बाय द वे व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? हो गया ना 12:30 हो गया, राइट? 12:44। अरे बाप रे, ठीक है इसको खत्म करके रुकेंगे, तुम लोग को भूख भी लगी रहेगी। द पोलन ट्यूब इज ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्ट इन नेचर। ओके, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हाइलाइटेड है, तो देखो, ग्रोथ जोन एट द टिप जिसको कैप ब्लॉक भी कहते हैं, विद द डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म रिच इन द वेसिकल्स, वो जो कैप बताया था मैं, कैप ब्लॉक्स वगैरह वही है यहाँ पे। ओके, न्यूक्लियर जोन होता है कंटेनिंग द ट्यूब न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट्स, और एक होता है वैक्यूलाइजेशन जहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म बिटवीन द एक्टिव एंड इनएक्टिव साइटोप्लाज्म विद द सीरीज ऑफ कैलोस प्लग्स, ये तो यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया उसने फाइनली, ये जो पॉइंट है इज नथिंग बट लाइक दिस ओनली, टू सेपरेट द ओल्डर इनएक्टिव साइटोप्लाज्म। ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ विद द डायग्राम ऑन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना ये डायग्राम? अच्छा, वो तो व्हाइट स्क्रीन पे, सॉरी
समझ में आ रहा है या लेके चलो चलो दिखाई देता हूँ फिर भी एक और बार ध्यान में रखो, ये कैलोस प्लग जो ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखे हुए इनके बारे में वो पॉइंट था। फाइन, बढ़ता हूँ आगे। द पोलन ट्यूब नॉट ओनली कैरी द मेल गैमेट्स बट ऑल्सो सीक्रेट द हॉर्मोन्स एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्टाइल, स्टाइल से ही सारी नरिशमेंट लेते लेते आगे जाना है क्योंकि पोलन ट्यूब को ग्रो होना रहता है। द पोलन ट्यूब सॉरी द पोलन ग्रेन विद द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ओके, इमैच्योर कब था? जब वो एक ही सेल था। ओके, मैच्योर कब हुआ? जब दो मेल गैमेटोफाइट बन चुके हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ वो जो कि पोलन ट्यूब में आपको देखने मिला है। ओके, और 40% होगा तो पोलन ग्रेन के अंदर ही होगा, तो वो जो 40% वाला पोलन ग्रेन है ना उसको मैच्योर गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट्स अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, इवन दैट टू सेल स्टेज ऑल्सो फिर बोल देंगे, मतलब दो सेल स्टेज यानी इन शॉर्ट एकदम। चलो बाकी की सारी कंफ्यूजन ही तुम्हारी क्लियर कर देते हैं। एक ध्यान रखो, जनरेटिव सेल बन गया तो ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। एकदम से मैच्योर बोलने का मतलब क्या है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द टू मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो ध्यान रखना टू मेल गैमेट्स अगर मेंशन रहेंगे ऑप्शन में तो दैट विल बी योर बेस्ट आंसर फॉर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ थ्री सेल्ड वन ट्यूब सेल, दो मेल गैमेट, थ्री न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द टू माइटोटिक डिविजन्स। डन, वी हैड कंप्लीटेड हियर पूरा मेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, किसी को कोई दिक्कत था यहाँ पे समझने के लिए? पूरा मेल गैमेटोफाइट एकदम 100% क्लियर हो गया? Yes. Okay. तो now you can leave the meeting. मिलेंगे आपको next lecture video से लिए. Okay. चलो bye bye. Take care. Bye sir. Thank you sir. Yes bye. Thank you बेटा. Bye sir. Thank you sir. Thank you.